हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए ट्रेन की ये पांचवीं क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोग इस टॉपिक की चार क्लासें पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर अभी तक आपने उन क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज भी क्लास बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है हमेशा की तरह। तो चलिए क्वेश्चन के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टू ट्रेन्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, टू ईच अदर क्रॉस अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड एंड 17 सेकेंड रिस्पेक्टिवली एंड क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड, वॉट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार कर जाती हैं तथा एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार करती हैं, इनकी चालों का अनुपात बताइए। तो आपको स्पीड का रेशियो बताना है, बताइए भाई क्या होगा, 2:3 होगा, 3:5 होगा, 3:2 होगा कि 9:11 होगा। दोनों ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या होगा, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखो भाई, जब ट्रेन, अब वहां पे ये भी ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है मतलब वो कांस्टेंट है, वो चल नहीं रहा, तो स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति है उसकी कोई लेंथ नहीं है, तो जब वह दूरी को जो तय करेंगी उसमें वो ट्रेन की ही जो लेंथ होगी वही उसकी डिस्टेंस होगी। क्लियर है? हम यहां पर किस फॉर्मूले को लेके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपने कहा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कह सकते हैं हम कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। चाल बराबर दूरी बटे समय, या कह दें कि भाई दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। क्लियर? अब देखो कह रहा है कि भाई एक प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है, उसको जो है ट्रेन क्रॉस कर रही है, एक ट्रेन क्रॉस कर रही है 27 सेकंड में और एक क्रॉस कर रही है 17 सेकंड में। हम मान के चलते हैं कि जो दो ट्रेनें हैं उन दोनों ट्रेन में एक की स्पीड आप मान लो कुछ, ठीक है ना, ABCD जो भी आप मानना चाहें। जैसे मैंने माना कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन मान लो सपोज करो पी है, पी की मैंने स्पीड मान ली, पी की स्पीड है ए मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्या मैंने मान लिया ए मीटर पर सेकेंड। दूसरी ट्रेन मैंने मान ली क्यू, क्यू की स्पीड मैंने मान ली कितनी, बी मीटर पर सेकेंड, बी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। क्लियर है? अब देखो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। तो एक ट्रेन जो आपकी पी है वह व्यक्ति को कितने टाइम पर क्रॉस कर जाती है, आपने कहा 27 सेकंड में। ट्रेन जो पी है वो कितने टाइम पर उसको क्रॉस कर जाती है, आपने कहा 17 सेकंड में, और एक दूसरे को दोनों 23 सेकंड में क्रॉस कर जाती हैं। अब जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो वहां पर जब डिस्टेंस की बात आएगी तो लेंथ ऑफ पी प्लस लेंथ ऑफ क्यू, ठीक है ना भाई, वहां पर जब दूसरे क्रॉस करेंगी तो पी की लंबाई जो है प्लस क्यू की लंबाई, ये टोटल वहां पर डिस्टेंस हो जाएगी। तो अगर यहां पर हम देखें तो डी बराबर क्या होता है, एस इन टू टी, मुझे एस ए पी की स्पीड कितनी मानी है मैंने ए मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना 27 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है। तो अगर मैं कहूं कि पी की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, पी की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 27 ए निकल के आएगी कि नहीं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए क्यू की, तो क्यू की डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, तो आपने कहा ये हो जाएगा 17 ए,
भाई स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा ना, डिस्टेंस बराबर, तो ये तो निकल आई डिस्टेंस, ठीक है ना। अब दोनों की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो दोनों जो है 23 सेकंड में दोनों को पार कर जाती है, दोनों एक दूसरे को 23 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो अगर मैं दोनों की मिला के बात करूं तो दोनों की जो है, अब दोनों विपरीत डायरेक्शन में आ रही है ना, दोनों विपरीत डायरेक्शन से आ रही हैं, तो यहां पे क्या होगा, बात होगी रिलेटिव स्पीड की। किसकी बात होगी, बात होगी रिलेटिव स्पीड की, ठीक है ना, बात होगी रिलेटिव स्पीड की। और रिलेटिव स्पीड जब डायरेक्शन आपका दोनों का अलग अलग है, अपोजिट है, तो स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो एक की स्पीड ए है, एक की बी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस की बात करूँगा तो ये हो जाएगा आपका 23 इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए, जब जो है एक ट्रेन जो पी है वो उसको 27 सेकंड में और दूसरी जो है एक व्यक्ति को 17 सेकंड में पार करती है, दोनों एक दूसरे को 23 इंटू ए प्लस बी सेकंड में पार, ये इसकी डिस्टेंस निकल आई, दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में, 23 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो यहां से ये डिस्टेंस निकली, तो ये हो जाएगा आपका 27 ए प्लस 17 ए इक्वल्स टू हो जाएगा 23 इंटू ए प्लस बी, 23 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 27 ए, ठीक है ना, इधर ले आ तो 23 बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, उधर लेके जाओगे तो 23 बी माइनस 17 बी। ये मेरी बात आपको समझ में आई भाई, ए ए हमने एक तरफ कर लिया तो 27 ए माइनस 23 ए इधर ले आए, उधर था 23 भी 17 भी को उधर ले गए, ये कितना बचेगा आपका, तो 7 में से 4 3 गया तो 4 ए इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना, 6 बी। तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका ए अपॉन बी इक्वल्स टू 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका ए रेशियो बी इक्वल्स टू 3 रेशियो 2। ए और बी आपने क्या माना, उनकी स्पीड ही तो माना है, ए और बी आपने क्या माना, उसकी स्पीड माना है, तो क्या रेशियो निकल के आएगा, रेशियो निकल के आएगा 3 रेशियो 2। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, उनकी स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा आपका, 3 रेशियो 2 निकल के आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ट्रेन ऑफ हाफ इट्स लेंथ विच इज कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड। दिस ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 14 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपने से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इससे विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है, और यह रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, कौन सी, जो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, ठीक है ना। तो बताइए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 615 मीटर है कि 400 मीटर है कि 480 मीटर है कि 300 मीटर है। तो भाई सभी लोग जल्दी से आंसर दें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। एक ट्रेन है, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन की जो लेंथ है तो जो दूसरी ट्रेन है उसकी लेंथ की आधी है, एक ट्रेन की स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर और जो उसके आधे लेंथ की ट्रेन है उसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर। अब ये एक दूसरे को जो पहली जो फास्ट ट्रेन है अर्थात 48 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है वो 42 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन को 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना, और ये दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन की जब बात आती है तो रिलेटिव स्पीड की बात आती है, और रिलेटिव स्पीड की जब बात आती है तो अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड आपस में घट जाती है
और अगर डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो दोनों की स्पीड आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें देखो, तो हमें बतानी है प्लेटफॉर्म की लंबाई, ठीक है ना, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हम सबसे पहले निकाल लें लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, हम क्या निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो मान के चले कि दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन सपोज करो P है, एक ट्रेन ये है, ठीक है ना, एक ट्रेन ये है जो इस प्रकार से चल रही है, और एक ट्रेन इससे छोटी होगी क्योंकि भाई वो उससे आधी लंबाई की है, ठीक है ना। ये ट्रेन ऐसे आ रही है, ये दोनों ट्रेनें हैं, इसकी स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इसकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब अगर आप मान के चलो कि इसकी जो लंबाई है वो d है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, आपने कहा d बाई टू, ठीक है ना। अगर भाई जो ट्रेन, पहली वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, अगर उसकी जो लेंथ है वो d है, तो जो दूसरी ट्रेन उसकी विपरीत साइड से आ रही है जिसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, d बाई टू हो जाएगी, क्लियर। अब देखो ये दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, और प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में। जब प्लेटफॉर्म, अगर हमको ट्रेन की लेंथ मिल जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं भाई कितना जो है टाइम लगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म को वह क्रॉस करेगी तो उसमें लेंथ ऑफ डिस्टेंस जो निकल गए वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अभी यहां पर जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन फर्स्ट एंड लेंथ ऑफ ट्रेन सेकेंड। फर्स्ट मतलब फास्ट ट्रेन भी कह सकते हैं, स्लो ट्रेन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहां पर, तो यहां पे आपने कहा कि भाई ये ट्रेन है आपकी जो है जिसकी लेंथ हमने डी मानी है, इसकी कितनी, डी टू। अच्छा टाइम कितना ले रहा है इनको क्रॉस करने है दूसरे को, आपने कहा टाइम लग रहा है 12 सेकेंड का, टाइम लग रहा है 12 सेकेंड का, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड की जरा बात कर लेते हैं। तो आपने कहा कि रिलेटिव स्पीड हो जाएगी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, अपोजिट है, तो 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा, ये तो 90 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 90 × 5/18 हो जाएगा, 18 पंचे 90 होता है, 5 × 50 = 25 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो आपने कहा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस कितनी निकाला क्या है कि d प्लस d बाई टू इक्वल्स टू हो जाएगा 25 × 12 हो जाएगा, 25 × 12। ये बात समझ में आई कैसे भाई, एक की लेंथ कितनी है, d है, और एक की लेंथ कितनी है, d बाई टू है, तो क्या हो जाएगा d प्लस d बाई टू, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई अर्थात लेंथ हो गई, और ये क्या है आपका स्पीड इनटू टाइम, कितनी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड निकला 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना ले रहा है 12 सेकेंड, तो इसको जरा सॉल्व करो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2d प्लस d इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 25 × 12 इंटू हो जाएगा आपका 2, तो ये 3d हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 × 12 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा आपका 3, 3d हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 × 4 = 12, 25 × 2 = 50 और 54 = 200, तो d इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा, तो आपने कहा d इक्वल्स टू निकल के आएगा 200, d इक्वल्स टू कितना निकल के आएगा 200, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है 200, तो एक कितनी हो जाएगी 100 मीटर भाई, जिसकी हमने d मानी तो कितनी निकल गई 200, तो इसकी कितनी हो जाएगी 100 मीटर। अब दोबारा जो ये ट्रेन है जो जिसकी लेंथ 200 मीटर है, यह एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो अगर हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म के लेंथ की बात करें, प्लेटफॉर्म की लेंथ की बात करें, तो भाई जब यह ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो जो उसमें डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो अगर हम लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म क्या मान लेते हैं कि लेट लेट
लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज मान लो क्या, बी मीटर मान लो, बी मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जरा देखो कितना आ जाएगा, तो आपने कहा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 200 प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा, स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 48 इंटू कितना हो जाएगा आपका 5/18 इंटू 45 हो जाएगा। यहाँ तक बात मेरी क्लियर हुई, ठीक है भाई। जो ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना, उसको बता रहा है कि प्लेटफॉर्म को वह 45 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, क्लियर है। तो उसी की तो स्पीड हम लेंगे। अब वो चूंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 8 48, 3 15 होता है आपका 45। कितना हो जाएगा ये 200 प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 28 12 57 600 हो जाएगा। तो बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 600 माइनस 200, तो ये आ जाएगा आपका 400। अर्थात जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है, जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई है 400 मीटर। जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई कितनी है, 400 मीटर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो लंबाई है वो 400 मीटर की है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्टेशंस ए एंड बी आर 220 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ट्रेन्स फ्रॉम स्टार्ट ए टूवर्ड्स बी एट ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर 30 मिनट्स अनदर ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम बी टू ए एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट डिस्टेंस विल बोथ द ट्रेन्स मीट फ्रॉम ए, दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर जाती है, 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी बताइए भाई, 180 किलोमीटर पर, 160 किलोमीटर पर, 120 किलोमीटर पे कि 230 किलोमीटर पे, कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितनी दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो सभी लोग आंसर दें भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। ट्रेन वैसे भी जो टॉपिक है ना ट्रेन का बहुत आसान होता है, ठीक है ना। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस पर ही जो है आपका बेस्ड होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या कह सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या कह सकते हैं टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कैसे भी आप कह ले, ठीक है ना। तो बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर, कौन सा आपका सही आंसर होगा इन चारों में। तो देखिए भाई, जो दो स्टेशन हैं, एक स्टेशन है ए और दूसरा कौन सा है बी, दो ट्रेनें हैं जो एक जा रही है ए से बी की तरफ और एक चल रही है बी से ए की तरफ। देखो भाई, दो स्टेशन हैं, एक है आपका ए और दूसरा स्टेशन है आपका बी, एक ट्रेन जा रही है ए से बी की तरफ और ए ट्रेन जा रही है बी से ए की तरफ, क्लियर है। अब इसके बीच की जो डिस्टेंस है टोटल यहां से यहां तक की, वह 220 किलोमीटर पर आवर है, 220 किलोमीटर की दूरी है। डिस्टेंस जो है टोटल वो ए से बी तक की वो 220 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर, एक चली ए से बी की ओर, उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। हम मान के चलते हैं कि वह ट्रेन जो ए से बी की तरफ जा रही थी वो थी पी, और जो बी से ए की तरफ जा रही थी वो थी क्यू। अब अगर मैं पी की बात करूं तो पी की स्पीड कितनी है, पी की स्पीड कितनी है, तो आपने कहा पी की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अच्छा, बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ये बी की स्पीड है, ठीक है ना।
अब कह रहा है कि जो बी से ए की ओर चलती है वह 30 मिनट के बाद चलती है, ठीक है ना। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की ओर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ियां ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो अब जो है हमें निकालना है कि जो ए है ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी। मान के चलो, मान लो कि जो ए प्लेटफॉर्म है उससे वह 1 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी, 1 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी। तो अब एक चीज सोचिए कि जो ट्रेन पी है अगर वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो जो ट्रेन क्यू है वो कितना तय करेगी। तो आपने कहा 220 - 1 किलोमीटर। भाई जितनी ट्रेन पी तय कर लेगी बाकी जो बचेगी वो कौन ट्रेन तय करेगी, वो ट्रेन क्यू तय करेगी। तो 220 - 1 किलोमीटर ये ट्रेन क्यू के द्वारा दूरी तय होगी। अब ये जो है जो टाइम का डिफरेंस कितना दिया गया है, 30 मिनट का, ठीक है ना। तो भाई स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए एक ने कितनी डिस्टेंस तय की, तो आपने कहा अगर हम बात करें अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो बात समझ में आ गई ना भाई। एक हमने ट्रेन पी मानी है जो ए से बी की तरफ जा रही है, एक ट्रेन क्यू है जो बी से ए की तरफ जा रही है। ए से बी तक की टोटल जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर की है। तो अगर ए जो जो पी ट्रेन है अगर वह 1 किलोमीटर जाएगी तो भाई जो दूसरी ट्रेन है वो 220 - 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ठीक है ना। स्पीड पी की कितनी दी गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बी कितनी दी गई है आपकी, ये क्यू है यहाँ पे, क्यू कितनी दी गई है आपकी 100 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। अब जरा देखो कितना हो जाएगा, तो आपने कहा कि उसने तय की ए अपॉन हो जाएगा 80, ठीक है ना, क्योंकि भाई वो ए डिस्टेंस तय कर रही है, उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, माइनस 220 - a, ये किसके द्वारा तय की जाएगी जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। इनकी स्पीड में कितने का अंतर है, 30 मिनट का, इसको आवर में चेंज करो तो 30/60 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करिए कितना आ जाएगा, इसको जरा यहाँ पे सॉल्व करिए भाई कितना आएगा। तो आपने कहा कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आप ले लो कितना, 400, कितना ले लो 400, कितना हो जाएगा आपका, ये 5 टाइम हो जाएगा तो 5a हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 2 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4a, क्या हो जाएगा प्लस का 4a, क्लियर है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, अभी कितना हो जाएगा ये 9a हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 9a - 880 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 400 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 9a इक्वल्स टू 200 + 880, ये कितना हो जाएगा 9a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 0 8 + 2 हो जाएगा आपका 10, तो a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 1080 अपॉन हो जाएगा 9, 12 9 जा होता है आपका 108, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 120 किलोमीटर। अर्थात दोनों ट्रेनें जो ए से जो है कितनी दूरी पर मिल जाएंगी, ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिल जाएंगी, क्योंकि हमने वहां से डिस्टेंस कितनी मानी थी, माना था कि 1 किलोमीटर पर मिलेंगी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 120 किलोमीटर, तो 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी, क्लियर है, समझ में आया भाई। एक ट्रेन हमने पी मानी जो कि ए से बी की तरफ जा रही है, एक ट्रेन हमने क्यू मानी जो बी से ए की तरफ आ रही है। जो ट्रेन पी है उसकी स्पीड हमको दी गई है कितनी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 100 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है ना। अब यहां पर हमने मान लिया कि जो ए से वह 1 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे, तो जो पी ट्रेन है वह 1 किलोमीटर चलेगी, तो क्यों कितना चलेगी, 220 - 1 किलोमीटर, 220 - a, ये पूरा एक साथ ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, किलोमीटर, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो 30 मिनट का है, क्योंकि एक ट्रेन 30 मिनट पहले चलती है, एक ट्रेन 30 मिनट बाद चलती है, ठीक है ना।
क्लियर भाई, जो ए से बी की तरफ जाती है वो बी से जो ए की तरफ आती है उससे 30 मिनट पहले चली। क्लियर, ए की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहां से ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 120 किलोमीटर। तो 120 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन ए से ये ट्रेनें आपस में मिल जाएंगी। क्लियर है, अगर बी से बात करें, अगर बी से बात करें तो आप 220 में 120 माइनस कर दीजिए, 220 में 120 आप माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो आपने कहा ये आ जाएगा 100 किलोमीटर। तो अगर बी से बात करें तो बी से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ये मिल गए, बी से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ये मिल गए। क्लियर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि टू स्टेशंस ए एंड बी आर लोकेटेड 110 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए एट 7 AM टूवर्ड्स बी एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए ऑन द सेम डे एट 8 AM विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, व्हाट टाइम विल दे मीट। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं, वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगी, बताइए भाई, 10 AM पर, 8 AM पर, 10:20 AM पर कि 9:50 AM पर। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा, कितने बजे वे दोनों ट्रेनें, अब आपको टाइम बताना है, क्या बताना है, टाइम, कितने टाइम पर वे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो यहां पर आपको क्या बताना है, यहां पे आपको टाइम बताना है, ठीक है ना, कि भाई कितने टाइम बाद, किस समय पर वे आपस में एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो यहां पर देखो भाई, एक दो स्टेशन है, एक ए है और दूसरा स्टेशन कौन है, बी है, ठीक है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो आपने कहा डिस्टेंस है 110 किलोमीटर, ये दोनों स्टेशन एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब एक ट्रेन ए से बी की तरफ चलती है और एक ट्रेन बी से ए की तरफ चलती है, जो ए से बी की तरफ चलती है वह कितने बजे चलती है, जो ए से बी की तरफ चली वो 7 बजे चली, ठीक है ना, 7 AM पर, और जो बी से ए की तरफ चली वो चली 8 AM पर, 8 AM पर चली, सुबह 8 बजे चली, जो ए से बी की तरफ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, और जो बी से ए की तरफ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, तो आपने कहा 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। अब देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब चूंकि दोनों आपकी जो ट्रेनें हैं वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो अगर हम बात करें यहां पर रिलेटिव स्पीड की, तो दोनों स्पीडें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, देखो ये चली यहां से 8 बजे, ए से जो बी की तरफ जा रही वो चली 7 बजे, तो इसने एक घंटे में कुछ दूरी तो कवर की होगी, जो ए से बी की तरफ जो ट्रेन जा रही है उसने एक घंटे में कुछ दूरी तय की होगी, ठीक है ना। जैसे आपने मान लिया कि भाई जो ए से बी की तरफ जा रही है ट्रेन वह उसकी स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो उसने एक घंटे में, उसने एक घंटे में कितनी दूरी तय कर ली, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो अगर मैं बात करूं कि अब रिमेनिंग डिस्टेंस है कितनी, रिमेनिंग डिस्टेंस है कितनी, रिमेनिंग डिस्टेंस है कितनी भाई, चूंकि देखो एक घंटे में जो ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही है उसने जो है 20 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली। अब बी वाली ट्रेन भी तो स्टार्ट हो गई, क्योंकि एक घंटा तो बीत गया ना, अब बी से जो चली वो भी ट्रेन स्टार्ट हो गई, वो भी चले उधर से चालू हो गई।
अब जो है अगर मैं बात करूं कि अब दोनों ट्रेनें कितनी डिस्टेंस तय करेंगी, तो 110-20, अब जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर की है। कितनी है? 90 किलोमीटर की है जो अब उन दोनों ट्रेनों को डिस्टेंस को तय करना है। बात मेरी समझ में आ रही है ना भाई? एक घंटे में जो ए से बी की तरफ ट्रेन जा रही थी उसने 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, तो अब जो रिमेनिंग डिस्टेंस बची कितनी? 90 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? तो आपने कहा रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी आपकी 20+25, ये हो जाएगी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस आपको पता है 90 किलोमीटर कितना तय करनी है, स्पीड है दोनों की रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना टाइम लग जाएगा 90 किलोमीटर की इस जो है 45 की रिलेटिव स्पीड से इस दूरी को तय करने में? तो आपने कहा 45 टू जा हो जाएगा आपका 90, अर्थात 2 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे लग जाएंगे? 2 घंटे लग जाएंगे। अब दोनों ट्रेनें कितने बजे चली थी भाई? यहां से भी मैंने इसको 1 घंटा चला दिया ना, तो ये भी अब 8 बजे, हम कंपेरिजन अब कहां से करेंगे? 8 o'clock से। तो कितने बजे दोनों मिलेंगी? 2 घंटे बाद मिल जाएंगी, 2 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 10 o'clock, 8 a.m. प्लस कर दो 2 hours, प्लस कर दो 2 hours, कितना हो जाएगा आपका? 10 a.m. आपका सही आंसर हो जाएगा। सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी, सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। क्लियर समझ में बात आई? 8 बजे में 2 घंटे और ऐड कर दो तो आपका 10 o'clock आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, सुबह 10 बजे दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिल जाएंगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन करा कि ट्रेन ए रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ट्रेन बी रनिंग ऑन ए पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन इन 2 मिनट्स इफ द लेंथ ऑफ दीज ट्रेन आर 100 मीटर एंड 20 मीटर रिस्पेक्टिवली देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए इसी की दिशा में समानांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि इन गाड़ियों की लंबाइयां क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है? बताइए भाई, 124 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 112 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 136 किलोमीटर प्रति घंटे है कि 111 किलोमीटर प्रति घंटे है? कौन सा सही आंसर आएगा भाई? कितनी आपको चाल निकल के आएगी बी की? आपको स्पीड आप बी बतानी है, ठीक है ना? जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड कितनी है? तो आपने कहा कि अब देखो एक चीज ये भी ध्यान रखना, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं। हमने मान लिया कि द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी, हमने मान लिया स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज ए किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? अब देखो जरा ये कितना हो जाएगा। तो आपने कहा कि अगर यहां पे जो ट्रेन ए है, जो ए है उसकी स्पीड कितनी है? आपने कहा 120 किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड आपने कितनी मानी है? 1 किलोमीटर पर आवर। दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो अगर हम यहाँ पे रिलेटिव स्पीड की बात करें, अगर हम यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की बात करें तो दोनों चालें आपस में घट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 120-a, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा? किलोमीटर पर आवर इंटू हो जाएगा 5/18, तो इससे चाल किस में बदल जाएगी? मीटर पर सेकंड में। किस में बदल जाएगी? मीटर पर सेकंड में। तो ये तो स्पीड आ गई। अब देखो यहां पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डी की बात करें, तो देखो डी की अगर हम बात करें
तो एक ट्रेन जो ए है उसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर और ए की लेंथ कितनी है 200 मीटर। तो जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 300 मीटर। अब स्पीड आपको पता है तो बी की चाल आप आसानी से निकाल सकते हैं। टाइम आपको पता है ठीक है ना, 2 मिनट में पार कर जाती है। 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड, 2 मिनट का मतलब हो गया 120 सेकेंड। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। तो यह ऐसे कर लो कि जो है 300 इक्वल्स टू, ठीक है ना, या आप ऐसे कर लो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसा आप करना चाहें, जैसा आप करना चाहें आएगा वही, ठीक है ना। तो 120 माइनस ए इंटू 5/18 इंटू हो जाएगा टाइम। तो टाइम है 120 सेकंड कर लो, इक्वल्स टू हो जाएगा 300। हमने इस 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है ना, क्योंकि दूरी हमने किस में है, दूरी हमारी जो है मीटर में है, हमने स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, इसलिए हम 2 मिनट को इसमें कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड में। तो ये हो जाएगा आपका 120 सेकंड, क्लियर, इक्वल्स टू हो गया 300। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका जो है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा किससे, 18 से काट दो, 9 से काट, नहीं 9 से नहीं, किससे कटेगा, 2 से काट दो, 2 9 18, 2 6 12, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 2 6, अब नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा आपका, 5 2 10, 100 हो जाएगा। तो 100 का जब अंदर मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा, ये 1200 माइनस कितना हो जाएगा आपका, ये 100A हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 3 3 9, 100 हो जाएगा, हो जाएगा ठीक है ना। अब A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 100A इक्वल्स टू हो जाएगा 1200 माइनस 900, ओके, ये कितना हो जाएगा आपका, A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300/100, 0 से 0 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 3। तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, A इक्वल्स टू 3 आएगा, क्या आ जाएगा, A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो A की वैल्यू आपने क्या माना था भाई, A को माना था आपने 1 किलोमीटर पर आवर माना था ना, A स्पीड किसकी, B की, अच्छा भाई ये 1 = 3 आ, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं हुआ, हमने घोड़ा भाग में कहीं गलत तो नहीं किया भाई, A बराबर आपका 3 आ रहा है, कहीं तो कुछ गलत हो रहा है भाई, 120 माइनस A, ये तो ठीक है, 5/18 ये भी ठीक है, 3 3 9, 5 2 10, 100 हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट होगा, 100 यहाँ पे 12,000 आएगा ना, एक मिनट यहीं से गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12,000, 1 मिनट यहाँ से हमारा गलत हो गया, बाकी तुमने सब कुछ सही किया, यहाँ पे हम लोग का गलत हो गया, क्योंकि भाई जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 100 आएगा ना, 5 2 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1200 नहीं 12,000 आएगा, 12,000 माइनस 100A इक्वल्स टू ये आपका 900, अब सही है, देखो अब सही आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 100A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12,000 माइनस 900, कितना आ जाएगा 100A इक्वल टू, तो आपने कहा 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यह आ जाएगा 11, तो A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1 1 1 0 0 100, 0 से 0 कट जाएगा, A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 111 किलोमीटर पर आवर, 111 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। और यही तो आपने माना था, यही तो A आपने माना था ना कि भाई B की स्पीड कितनी है 1 किलोमीटर पर आवर, वहाँ पे गलत हो रहा था, चूँकि हमने इसलिए, चूँकि हमारा गलत हो गया, तो चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, 1200 रख लिया था, इसलिए हमारा आंसर वहाँ पे गलत हो रहा था, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो यहाँ पे जो स्पीड है बी की कितनी निकल गएगी, 111 किलोमीटर पर आवर निकल गएगी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन करा कि अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म फेल्ट दैट ए ट्रेन पास्ड हिम इन 6 सेकेंड, द ट्रेन गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस ट्रेन पास्ड दिस पर्सन इन 9 सेकेंड, If the length of both the trains are equal, then how much time will be taken by these trains to cross each other? प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को लगा कि कोई ट्रेन 6 सेकंड में उसे पार कर गई, इस ट्रेन की विपरीत दिशा में जा रही
इस ट्रेन की विधि समय जा रही 3 ट्रेन इस शख्स को 9 सेकंड में पार कर गई। यदि दोनों ट्रेनों की लंबाई बराबर है तो इन ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? 7.2 सेकंड कि 7.6 सेकंड कि 8.2 सेकंड कि 5.5 सेकंड, कितना समय लग जाएगा भाई इन दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में? तो बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर निकल के आएगा? तो देखिए यहां पर जो है भाई दो ट्रेनें हैं जो एक दूसरे को कितने समय में पार कर रही हैं ये आपको बताना है। आपने कहा कि एक ट्रेन ए है, आपने मान लिया एक ट्रेन ए है, ठीक है ना, और दूसरी ट्रेन बी है, ठीक है ना, दूसरी ट्रेन आपकी बी है। अब देखो दोनों ट्रेनों की जो डिस्टेंस है अर्थात लेंथ है वो आपकी सेम है, दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है वो सेम है। अगर आप माने कि ए की जो लेंथ है वो एक्स मीटर है तो बी की भी जो लेंथ है वो एक्स मीटर ही है, क्लियर। अब देखो भाई स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर मैं यहां पे बात करूं स्पीड ऑफ ए, अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ ए तो आप कहेंगे कि भाई देखो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो जो दूरी चलेगी वो अपनी लंबाई के बराबर ही तो चलेगी, क्योंकि उस व्यक्ति की तो कोई डिस्टेंस है नहीं, कोई लेंथ है नहीं। तो आपने कहा यहां पे हो जाएगा स्पीड ऑफ ए हो जाएगा, स्पीड की लेंथ कितनी है एक्स, भाई ए की स्पीड लेंथ कितनी है एक्स है, कितने सेकंड में आदमी को पार कर जाती है 6 सेकंड में, तो एक्स अपॉन 6 हो जाएगा। दूसरी जो ट्रेन है, एक बात ध्यान रखिएगा, हिंदी में जो क्वेश्चन यहाँ पे 3 लिखा है ये आपका गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा इंग्लिश में सही है, ठीक है ना। विधि समय जा रही ट्रेन इस शख्स को ऐसा होना चाहिए, वो 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, तो इसको आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे जो 3 है वो नहीं होगा, इंग्लिश में सही लिखा हुआ क्वेश्चन। अब यहां पर देखो अगर मैं इसी प्रकार से बात करूं कि स्पीड ऑफ बी, अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ बी तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका एक्स अपॉन 9, क्योंकि दोनों की लेंथ तो सेम है। अब देखो दोनों की जब लेंथ सेम है तो रिलेटिव स्पीड, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड जरा निकाल लो, रिलेटिव स्पीड निकाल लो, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा x अपॉन 9 कितना हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा आपका 18, 6 3 जा आपका 18, 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा आपका कितना 5x अपॉन 18, कितनी आ जाएगी रिलेटिव स्पीड, ये आ जाएगी 5x अपॉन 18 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपको मालूम है, दोनों की लेंथ आपको पता है, भाई जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी या क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, जब क्रॉस करेंगी तो दोनों की मिलकर डिस्टेंस वहां पे दोनों क्रॉस करना पड़ेगा ना, लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी वही होगी टोटल डिस्टेंस आपकी। तो यहां पर अगर हम बात करें तो टाइम कितना लग जाएगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, तो आपने कहा टी टाइम लग जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी, तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, स्पीड कितनी आपने निकाली है 5x अपॉन 18, ये हो जाएगा आपका 2x into 18 अपॉन हो जाएगा 5x, x से x कट जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा अपॉन 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 7.2 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। बात क्लियर समझ में आया कि भाई हमने यहां पे क्या किया कि ए की लेंथ कितनी मान ली एक्स, बी की भी लेंथ कितनी होगी एक्स, क्योंकि दोनों समान लंबाई की, दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है ना, तो एक पार कर जाती है एक आदमी को 6 सेकंड में, जब शख्स को पार करेगी तो शख्स का तो कोई भाई लेंथ है नहीं, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी एक्स अपॉन 6, बी की कितनी हो जाएगी एक्स अपॉन 9, तो यहां से हमने रिलेटिव स्पीड निकाल लिया, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन आपका स्पीड, रिलेटिव स्पीड हमें पता है दोनों की, हमें जो है लेंथ पता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा 7.2 सेकंड लग जाएगा, दोनों इतने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ए स्टार्ट फ्रॉम मेरठ एट 4 PM एंड रीच गाजियाबाद एट 5 PM। द सेकेंड ट्रेन बी लीव्स गाजियाबाद एट 4 PM एंड रीच मेरठ एट 5:30 PM। एट वॉट टाइम बोथ द ट्रेन विल मीट ईच अदर। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से सायं चार बजे चलकर सायं पाँच बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से सायं चार बजे चलकर सायं 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी बताइए। 4:20 PM पर, 4 PM पर कि 4:36 PM पे कि नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बताएं भाई कौन सा सही आंसर होगा इन चारों में। कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को मिलेंगी और टाइम आपको बताना है। तो देखिए दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन चलती है मेरठ से कहां गाजियाबाद की तरफ, ठीक है ना, जो निकलती है 4 बजे। दूसरी ट्रेन जो है बी गाजियाबाद से 4:30 बजे चलकर 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। तो एक चलती है मेरठ से गाजियाबाद के लिए और एक चलती है गाजियाबाद से मेरठ के लिए। अच्छा दोनों का टाइमिंग सेम है चलने का, लेकिन पहुंचने का अलग अलग है। एक को टाइम लग रहा है केवल 1 घंटे का, एक को टाइम लग रहा है 1.5 घंटे का। अब यहां पर देखो डिस्टेंस क्या हमें पता है क्या, नहीं पता, ठीक है ना। दो ट्रेनें देखो, एक ए है जो मेरठ से कहां जा रही है, मेरठ से जा रही है कहां गाजियाबाद के लिए, ठीक है ना। एक चल रही है मेरठ से गाजियाबाद के लिए, ठीक है ना, गाजियाबाद के लिए। ये इसको कितना टाइम लग रहा है, इसको लग रहा है 1 घंटे, ठीक है ना, 1 आवर लग रहा है। ये ट्रेन मान लो ए है। एक ट्रेन है जो गाजियाबाद से निकली थी कहां के लिए, जो गाजियाबाद से मेरठ के लिए, इसको लगे 1.5 आवर, 1.5 घंटे लग गए, ठीक है ना, 1.5 घंटे लगे। ये ट्रेन कौन सी है, बी है। अब जरा देखें भाई, अब यहाँ पे अगर जो है मैं डिस्टेंस मान लूँ, कुछ डिस्टेंस मैंने कुछ भी मान लूँ मैं, जैसे मैंने मान लिया कि माना कि डिस्टेंस कितनी थी, मान लिया कि डिस्टेंस थी ए, ठीक है ना, डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, 1 किलोमीटर, ठीक है ना, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब डिस्टेंस अगर आपने 1 किलोमीटर मान ली और जो समय है वो ट्रेन ए को 1 घंटा लग रहा है, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ ए, अगर मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ ट्रेन ए, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस है ए, टाइम लग रहा है उसको 1 आवर का, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाएगी आपकी ए की। अगर मैं बी की बात करूं, बी के स्पीड की, तो डिस्टेंस कितनी है 1 किलोमीटर, उसको कितना टाइम लग रहा है 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का मतलब हो गया 3/2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2a/3, ये स्पीड हो जाएगी बी की। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ बी, ये स्पीड हो जाएगी बी की, स्पीड ऑफ बी। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी। तो आप मान के चलिए कि भाई टी टाइम बाद मिलेंगी, ठीक है ना। तो अब यहां पर टी ही तो हमें निकालना है, तो टी बराबर टाइम बराबर क्या होता है स्पीड, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या कह सकते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। आपने माना कि टी टाइम बाद मिलेंगी, तो अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें और हमने ये मान लिया कि टी टाइम बाद वो मिलेंगी, ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। ए की स्पीड कितनी है ए, तो ये हो जाएगा ए इंटू टी, ठीक है, टी क्या है टाइम है, प्लस बी की स्पीड कितनी है 2a/3, ये भी हो जाएगा आपका टी, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका डी के, इक्वल टू हो जाएगा आपके ए के, ए क्या है जो आपने डिस्टेंस मानी, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाए स्पीड इंटू टाइम ही तो होता है। अब जरा देखो इसको जरा सॉल्व करिए भाई कितना आएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका कितना 3a t, 3 a t प्लस हो जाएगा आपका
280 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3a के, किसके 3a के, भाई 3 का हमने मल्टीप्लाई यहां करे, 3 का मल्टीप्लाई इधर कर लिया। अब देखो ये हो जाएगा 580 इक्वल्स टू 3a, a से a कैंसिल हो जाएगा तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 3/5। अब ये तो किस में आ गया, ये घंटे में आ गया ना, 3/5 आर आ जाएंगे। अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो इनटू 60 कर दो, कितना आ जाएगा 5 12 जा 60 12 3 जा 36 मिनट पर वो एक दूसरे से मिल जाएंगी। दोनों कितने बजे चली थी, 4 बजे, दोनों कितने बजे चली थी 4 बजे, तो कितने बजे मिलेंगी दूसरे से 4:36 पे, कितने बजे मिलेंगी 4:36 पे, चूंकि 36 मिनट के बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो 4:36 पर वे एक दूसरे को मिल जाएंगी, और यही तो हमसे पूछा गया है दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, तो 4:36 ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि वन ट्रेन लीव्स फ्रॉम पटना टू हावड़ा एंड अनदर ट्रेन अनदर फ्रॉम हावड़ा टू पटना एट द सेम टाइम, आफ्टर मीटिंग दीज ट्रेन्स रीच देयर डेस्टिनेशन इन 9 hours एंड 16 hours रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए था, दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती हैं। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं, इनकी चालों में क्या अनुपात है बताइए भाई। 3:4 का होगा कि 3:5 का होगा कि आपका जो है 4:9 का होगा कि 4:3 का होगा, इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर देखो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में मिले तो आप डायरेक्ट इसको जो है डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे पूछा है कि इनकी चालों का अनुपात क्या, इनके स्पीड का रेशियो क्या है। तो अगर मान लो कि 2 ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है जो जा रही है जो है कहाँ, पटना से हावड़ा, और एक ट्रेन बी है जो आ रही है हावड़ा से पटना, ये ट्रेन है बी, ठीक है ना। तो यहाँ और देखो ये एक टाइम पर एक दूसरे से मिलने के बाद, ठीक है ना, यहाँ कहीं पर दूसरे एक दूसरे से मिल जाएंगी, मिलने के बाद फिर ये एक 9 घंटे में और एक 16 घंटे में पहुँचती है। तो अगर हम इनकी जो है स्पीड के रेशियो की बात करें, ठीक है ना, स्पीड के रेशियो की बात करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, यही तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ बी। तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका अंडर रूट में, देखो अभी एक 9 घंटे पहुंच रही है, एक 16 घंटे पहुंच रही है, तो 16/9 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4:3, कितना आ जाएगा ए रेशियो भी, कितना आ जाएगा आपका 4:3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है आप डायरेक्ट जो है इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी इक्वल्स टू रूट बी रेशियो रूट ए, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बी क्या होगा जो बाद में, भाई एक 9 घंटे में पहुंच रही है, एक 16 घंटे में पहुंच रही है, तो जो बाद में पहुंच रही है वो आपकी बी की स्पीड होगी, जो पहले पहुंच रही है वो आपकी ए की स्पीड होगी, ठीक है ना। तो यहां पे आप डायरेक्ट यहां पे कर सकते हैं ए रेशियो बी, ए स्पीड का रेशियो रूट बी रेशियो रूट ए, ठीक है ना, इस डायरेक्ट फार्मूले को आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 ट्रेन्स आर गोइंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, द फास्टर ट्रेन पासेस अ पर्सन सिटिंग इन द स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन।
दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर जा रही हैं। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी है बताइए भाई, जो फास्टर ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी आपको बताना है, 80 मीटर है, 75 मीटर है कि 115 मीटर है कि 100 मीटर है, बताइए भाई कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा। तो देखिए यहां पर आपसे जो लेंथ पूछा है वो फास्टर ट्रेन की पूछा है। दूसरी बात, यहां पर जब बात होगी डिस्टेंस की तो वो जो ट्रेन है ना वो आपके जो है उस व्यक्ति को क्रॉस कर रही है। तो अब जब व्यक्ति को क्रॉस कर रही, ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना, ट्रेन को नहीं व्यक्ति को बताना। देखो उसमें साफ लिखा है कि तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो भाई जब वो व्यक्ति को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ के बराबर क्रॉस करेगी, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लेंथ है नहीं, तो जितनी लेंथ ट्रेन की होगी उतनी डिस्टेंस ही तो उसको तय करनी है। तो आपने कहा कि मान लिया कि जो फास्टर ट्रेन की लेंथ है वो आपने मान लिया ए, ठीक है ना, जैसे भाई दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है, इसको ऐसे बना लेते हैं, दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, दो ट्रेनें हैं एक ही दिशा में जा रही हैं, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन और भी है, ठीक है ना, ये है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, इसकी एक की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। यहां पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति ऐसे बैठा है इस ट्रेन में, उस व्यक्ति को यह ट्रेन जो तेज वाली ट्रेन है उसको 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपने कहा कि भाई अब जो ट्रेन है भाई, चूंकि व्यक्ति की कोई लेंथ है नहीं, जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लेंथ होगी, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें तो यहां पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा कि रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो यह जाएगा 60 माइनस 40, यह आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब अगर यहां पे मैं बात करूं कि लेंथ ऑफ फास्टर ट्रेन, तो ये तो डिस्टेंस होगी वही तो उसकी लेंथ होगी, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है तो आपने कहा ये है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 इंटू इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो तो 18 हो जाएगा, 5/18 इंटू हो जाएगा आपका 18, चूंकि 18 सेकंड में व्यक्ति को पार कर जाती है, 18 से 18 कट गया, 20 × 5 = 100, 100 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात ट्रेन की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर की है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर है, और हमें लेंथ ही तो बतानी है, तो जो डिस्टेंस है वही तो आपका ट्रेन की लेंथ है, कितना आ जाएगा आपका 100 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन है कि अ 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन गोइंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इज क्रॉस्ड बाय अ ट्रेन कमिंग फ्रॉम एन अपोजिट डायरेक्शन इन 15 सेकेंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही 200 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है बताइए, 150 मीटर है, 180 मीटर है कि 216 मीटर है कि नन ऑफ दी, जिनमें से कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, बताइए भाई क्या होगा सही आंसर। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही 200 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही ट्रेन को 15 सेकंड में पार कर जाती है। तो अब यहां पे अगर हम बात करें, देखो डिस्टेंस क्या है, तो आपने कहा लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है ना, तो यहां पे मान लो दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन ए है जो ए से बी की तरफ आ रही है, एक ट्रेन बी है जो इस प्रकार से ए की तरफ जा रही है,
ए की जो अगर हम बात करें ए की, तो ए की स्पीड कितनी है? आपने कहा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। ए की डिस्टेंस कितनी है अर्थात डी अर्थात लेंथ 200 मीटर, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं। अब यहां पर दूसरे ट्रेन के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अगर भाई उसकी स्पीड हमें पता होती, अगर उसकी हमें स्पीड पता होती तो हम रिलेटिव स्पीड निकाल लेते। और भाई टाइमिंग तो हमें दिया गया है कि भाई 15 सेकंड में, टाइमिंग हमें पता है, टाइमिंग हमें पता है कि दोनों एक दूसरों को कितने 15 सेकंड में पार कर जाती हैं। अब बी के बारे में अगर भाई हम डिस्टेंस की भी बात करेंगे तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी? लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। हमको बी की लेंथ बतानी है लेकिन हमको स्पीड तो उसकी पता होनी चाहिए। अगर स्पीड हमें पता होती तो हम जो है आसानी से लेंथ निकाल लेते। अगर लेंथ पता होती तो हम स्पीड निकाल लेते। एक चीज तो हमें पता होती, और जब पता नहीं है तो फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते, अर्थात हम लेंथ ऑफ ट्रेन भी नहीं निकाल सकते। तो आंसर क्या आ जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैन नॉट डिटरमाइन क्यों? चूंकि भाई बी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी गई, ना तो बी की हमें स्पीड पता है। अगर स्पीड पता होता तो आसानी से आप लेंथ निकाल देते, अगर लेंथ पता होता तो स्पीड निकाल देते, लेकिन ना तो स्पीड पता ना तो और लेंथ तो उसने पूछी ही भाई। तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल सकते। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आप ट्रेन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।